जिसमें एक तो एक जरूरतमंद व्यक्ति जिसको पैसे की सांसद के लिए बनी थी, दूसरी और एक में इंदौर में पदस्थ पुलिसकर्मी के नाम से मोबाइल से इनसे बात करी फरियादियों से, और जो पैसा सहायता कोष से मिलना है वो दिलवाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसको प्रोसेस करवाने के लिए वो अलग अलग किस्तों में तरीकों से इनसे वो पैसा लिया। तो इस मुख्य फरियादी से लगभग 5 लाख रुपए ये ले चुके थे। पूछताछ इसमें जब करी गई आगे तो पता चला है कि लगभग 20 से भी अधिक लोगों के साथ में इन्होंने इस प्रकार की ठगी करी है, जिनको लोन या सहायता कोष से पैसे दिलाने के नाम पर इन्होंने पैसे लिए हैं। इसमें पूछताछ पुलिस कर रही है, और क्योंकि आप लोगों के माध्यम से समाचार पत्रों में आएगा तो अन्य लोग भी हो सकता है जो ऐसी ठगी के शिकार हुए हैं, वो लोग भी पुलिस के सामने आएंगे। और इन जो लोग इनसे पूछताछ में पता चला है उनके नाम पते याद करते हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जबकि कथन भी इस प्रकरण में पुलिस यूज करेगी। इनसे मोबाइल से अलग अलग सिम और कुछ नकद राशि भी पुलिस ने जब्त करी है। इसमें जो दोनों आरोपी हैं ये पूर्व से भी इनके कुछ प्रकरण हैं, और ये लोन दिलवाने का भी एक आरोपी रोहित शर्मा जो है इंडिया पुलिस में इसमें काम करता है। तो कुल मिलाकर इसमें जो ये गैंग है ये ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जिनको पैसों की आवश्यकता है, और फर्जी शासकीय अधिकारी बन के या किसी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के पीए बन के संपर्क करके उन लोगों को ये प्रोसेसिंग फीस जो रहती है या पैसा दिलाने के नाम पे जो है कुछ राशि लेने के बदले इस प्रकार का ये संपर्क करते थे, और काफ़ी मात्रा में इन्होंने उनसे पैसा लिया भी है। चूँकि अभी मुख्य फरियादी से पुलिस ने जो रिपोर्ट ली उसमें 5 लाख रुपये डाली है राशि, अन्य जो फरियादी हैं उनसे संपर्क करके ज्ञात किया जाएगा कुल कितने राशि उन लोगों से ली है और किस प्रकार से इन्होंने उनको लालच दिया है या फिर क्या व्यक्ति बनके संपर्क किया है, आगे पूछताछ में सामने आएगा। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और फरियादी जैसे पुलिस के पास आते हैं तो आगे की इसमें कार्रवाई की जाए।